हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे स्टाइलम इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी के रिलेटेड बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है, जो सभी की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। एंड साथ में इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है फिलहाल या फिर ये स्टॉक का अवॉइड करना है, ये हम सारी ही चीजों की बात करेंगे आज की वीडियो में। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि न्यूज क्या निकल के आया हुआ है। सो यहाँ पे एक जापानीज कंपनी है, कौन सी, आइको कोगियो करके एक जापानीज कंपनी है, जिसने रिपोर्ट में लाइक रिपीटेडली बोला हुआ है कि ये जो कंपनी है, बात भी कर रही है आइको कोगियो कि मैं यहाँ पे क्या एक्वायर करने वाला हूँ स्टेक, किस में, स्टाइलम इंडस्ट्री में, कितना परसेंट, लगभग क्या बोल रहा है कि मैं 40% का स्टेक यहाँ पे क्या है मैं बाय करूंगा। तो यहाँ पे ये कंपनी का फिलहाल क्या लेटेस्ट क्या एक न्यूज निकल के आया हुआ है, एंड यहाँ पे स्टेक क्या बाइंग करेगा, एंड बोल रहा है कि यहाँ पे क्या शेयर परचेस एग्रीमेंट मिस लाइक साइन के बेसिस पे यहाँ पे क्या 40% का स्टेक यहाँ पे क्या कंपनी क्या है उठाने वाला है। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप देखोगे दिया हुआ है 2699 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है फिलहाल यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एंड ये कंपनी का जो इफेक्ट हमको आज के दिन देखने को मिला भी था। एंड ये कंपनी की बात करेंगे, स्टाइलम इंडस्ट्री कंपनी की स्टॉक काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। स्टॉक यहाँ पे देखोगे तो ये न्यूज़ जब भी निकल के स्टॉक का आया था उसी दिन मालूम पड़ा हमको कि जो स्टॉक है लगभग क्या है 52.10 रुपीज अप था, परसेंटेज 3.38%। अभी जो स्टॉक का जो इसका न्यूज़ जो निकल के आया, अभी ये न्यूज़ हमको इसका जो इफेक्ट हमको फ्राइडे को देखने को मिलेगा, बिकॉज कुछ टाइम पहले इसका न्यूज़ क्या निकल के आया हुआ है। अभी हम बात करेंगे रिटर्न्स की, तो उससे एक साल में इसने कितना 12.29% का रिटर्न दिया, लगभग जो एक साल में इसका हाई किया था 1970 के आसपास इसका हाई किया था, लो देखोगे तो 1251.15 तक इसका लो गया था, और अभी तो 1500 लगभग 90 के आसपास चल रहा है। तो चांसेस है कि 1900 वापस से क्या जा सकता है शेयर। लेटेस्ट जो न्यूज़ निकल के है वो तो फ्राइडे के दिन ही इसके इफेक्ट पड़ेगा। बाकी स्टॉक अगर आपको होल्डिंग करने का रहेगा तो हम डेफिनेटली स्टॉक को होल्डिंग कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा टारगेट आप पकड़ लीजिए कि 1900 के एक है क्रॉस कर भी सकता है। सो आई थिंक आपको जो डाउट क्लियर हो गए हैं, सो गाइस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।